नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, और ये वीडियो ध्यान से देखिएगा अंत तक। तो चलते चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधोसंरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज्यादा निवेश कब किया? ऑप्शन ए 17वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 18वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में अधोसंरचना जैसे यातायात, डाक सेवाएं तथा अन्य सेवाएं शुरू की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कार्य को सुगम बनाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पुराना रक्षा बल कौन सा है? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन बी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन सी असम राइफल्स, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी असम राइफल्स। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में की गई थी। इसका मुख्यालय शिलांग में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर शुरू हुआ था? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ढाका। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाना था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट बैटन योजना, सी आर फार्मूला, बेबल योजना और कैबिनेट मिशन में सबसे पहले कौन सी घटना घटी? ऑप्शन ए सी आर फार्मूला, ऑप्शन बी बेबेल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी माउंट बैटन प्लान। ओके, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर और कमेंट करिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सी आर फार्मूला। सी आर फार्मूला 1944 में प्रस्तुत किया गया। बेवेल योजना 1945 में पेश की गई। कैबिनेट मिशन 1946 में आया और माउंट बेटन प्लान
1947 में प्रस्तुत किया गया। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सी राजगोपालाचारी द्वारा प्रतिपादित किए गए सी आर फार्मूला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इसमें जिन्ना और मुस्लिम लीग से वार्तालाप का समर्थन किया गया था। ऑप्शन बी, इनमें मुस्लिमों को अलग राज्य दिए जाने के लिए जनमत संग्रह की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन सी, यह 1944 के जिन्ना गांधी वार्तालाप का आधार बना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। क्वेश्चन ध्यान से फिर से पढ़िए, 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। सी आर फार्मूला का उद्देश्य मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच के गतिरोध को खत्म करना था। इस सूत्र का केंद्र बिंदु मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाने किए कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत करना था। ये किए नहीं, लिए है, ठीक है, करवाने के लिए कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत, ठीक है, सॉरी मिस प्रिंट के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति साइमन कमीशन का सदस्य था जो बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना? ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी, नेविल चेम्बरलेन। ऑप्शन सी, क्लीमेंट एटली। ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली 26 जुलाई 1945 से 26 अक्टूबर 1951 के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उनके कार्यकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ था। एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। फराजी आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, ईसाई मिशनरी द्वारा इस्लाम पर आक्रमण। ऑप्शन बी, हिंदू ऋणदाताओं द्वारा मुस्लिमों का शोषण। ऑप्शन सी, मुस्लिम काश्तकारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुस्लिम काश्तकारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन के ब्रिटिश सरकार द्वारा समांतर सरकार स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ओके, एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। गांधीज एमिसरी ओके नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए, अरुण शौरी।
ऑप्शन बी अजय बोस, ऑप्शन सी सुधीर घोष, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुधीर घोष। यह पुस्तक सुधीर घोष द्वारा लिखी गई थी। 1946 में गांधी जी ने सुधीर घोष की ब्रिटिश सरकार के लिए अपना अनौपचारिक दूत नियुक्त किया था। पुस्तक गांधीज एमिसरी। ओके ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। या बंदों की संधि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। 10 सेकंड का टाइम लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है बी असम। या बंदों की संधि पर प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत असम, मणिपुर और राखीन जैसे क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आए। ओके, एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में मिग श्रृंखला के विमान किस देश से आए हैं? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। मिग लड़ाकू विमान रूसी रक्षा कंपनी रशियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं इस वीडियो के। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। और वीडियो क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।